स्टेट हाईवेज हैं जो नेशनल हाईवे ने प्रॉमिस किए थे, पर उसका प्रोसेस रुका हुआ है। सर कॉन्ट्रैक्टर फेल हो गए जी, शायद नहीं इसी हाउस में थे। ऐसे कितने ठेकेदार हैं? वो डिले प्रोजेक्ट के लिस्ट में आता है, तो हमको खर्चा भी करना पड़ता है, मेंटेन भी करना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है। इस 8 साल में जितना रोड का काम हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों को फाइन भरने पड़ रहा है। हॉनरेबल मंत्री जी को ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कुछ स्टेट हाईवेज हैं जो नेशनल हाईवे ने प्रॉमिस किए थे, और पंजाब में भी काफ़ी स्टेट हाईवेज हैं कि हम टेक ओवर करेंगे, पर उसका प्रोसेस रुका हुआ है, वो कब तक आप करने की आपकी प्लानिंग है? वैसे पंजाब में 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद इस 8 साल में जितना रोड का काम हुआ है वो स्वाधीनता के बाद के का अब तक का और इससे ज़्यादा है। एक महत्वपूर्ण बात ये है उपाध्यक्ष महोदय जी कि जो स्टेट हाईवे होते हैं उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, और हम भी ग्रीन हाईवे भी बना रहे, जैसे दिल्ली से कटरा जो पंजाब से जाता है, हरियाणा से जाता है, तो हम तो उसके ऊपर नई लैंड एक्वायर करके वो हाईवे बनाते ही हैं। पुराने हाईवे को भी हमने काफ़ी सुधारा है। अभी निश्चित रूप से आपने जो हाईवे बताया उसमें इस किसी क्राइटेरिया में आता है क्या, उसका विचार करेंगे और उसके बाद उसको अनुमति देंगे। अल्टीमेटली अगर हमने उसको अपना NH नंबर दिया तो हमको खर्चा भी करना पड़ता है, मेंटेन भी करना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है, तो फिर भी हम वो कर रहे हैं। फिर भी आप जो कह रहे हैं उसको वेरीफाई करके देखेंगे। अपना माध्यम से माननीय मंत्री से मैं पूछना चाहती हूँ, जो परियोजना ठेकेदार के कारण से विलंबित है या अटकी है, ऐसे कितने ठेकेदार हैं और उनके सामने क्या शिक्षात्मक कदम उठाए गए हैं? इसमें 95% काम पूरा हुआ और 5% लटका हुआ है, जिसको 100% कंप्लीशन नहीं कहा जाता। ऐसे करीब हमारे पास अभी 415 प्रोजेक्ट्स हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आई तब हमारे देश में 385,000 करोड़ के करीब 406 प्रोजेक्ट बंद पड़े थे, क्योंकि वहाँ उस समय बहुत समस्याएं थी। आपको भी पता होगा कि उस समय बिहार में भी सब जगह पर यही प्रॉब्लम था। अब अभी क्या है, कोविड आया तो कोविड के बाद एक्सटेंशन ऑफ वर्क EOT दिया। अब EOT कोविड के कारण मिला तो वो डिले प्रोजेक्ट के लिस्ट में आता है। फिर जो 95% काम पूरा हुआ कहीं कोर्ट ने स्टे दे दिया। कोई अभी आज मैं एक जलगांव औरंगाबाद करके रोड है, फॉरेस्ट वालों के पीछे 3 साल से लगा था, अब G20 के लिए वहाँ कार्यक्रम हो रहा है और लोग आ रहे, तब मुश्किल से उन्होंने आज वो G20 का कारण बताया, तब क्लियर किया वहाँ काम अटका हुआ है। तो बहुत से जगह पर ऐसी ऐसी इसमें छोटे मोटे जो हमारे रीच के बाहर के हैं उसके कारण प्रोजेक्ट डिले हुए हैं। कुछ जगह पर कॉन्ट्रैक्टर फेल हुए हैं और कुछ जगह पर स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार के सहयोग के बिना हम ये कर नहीं सकते, इसलिए उनके साथ रिव्यू मीटिंग करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को मेरा एक स्पेसिफिक प्रश्न है उड़ीसा रिलेटेड। माननीय मंत्री जी अवगत है इस बारे में, उनसे चर्चा भी एक आध बार हुई थी। एक है माननीयवर कटक से संबलपुर का राजमार्ग और दूसरा है राजमुंडा से बारकोट। ये दो राजमार्गों पर काम चल रहा है और विशेषकर कटक से संबलपुर का राजमार्ग कई सालों से लंबित है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कब तक ये राजमार्ग कंप्लीट हो जाएगा? सर कॉन्ट्रैक्टर फेल हो गए और कॉन्ट्रैक्टर कौन थे वो भी उनको पता जी, शायद नहीं इसी हाउस में थे, पर उनकी अड़चन है, ऐसी कुछ नहीं आ सकती है। हमने उनको रिप्लेस किया और रिप्लेस करके नए कॉन्ट्रैक्टर को लाया। हमने सदस्य भी, मेरे पास 2 बार आए थे, बाकी भी सदस्य आए थे, और मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 महीने में आपका काम पूरा हो जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्टर को बदल दिया है, रिप्लेसमेंट किया है और इसलिए काम पूरा हो। ये बात सच है कि रोड एक्सीडेंट्स में रोड बनने के पहले भी हम देश वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। 5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है, और अभी किसी महामारी में, लड़ाई में, दंगों में जितने लोग नहीं मरते उतने रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। और इसके लिए हमने एजुकेशन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में सुधार, ब्लैक स्पॉट का आइडेंटिफिकेशन लगातार कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक कैंपेन कर रहे हैं और काफ़ी बड़े सेलिब्रिटीज़ का भी सहयोग ले रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से करेंगे। पर एक तरफ एक बात सच है कि हम नए 27 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे एक्सिस कंट्रोल बना रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से अभी दिल्ली टू चंडीगढ़
ढाई घंटे में होगा, दिल्ली टू डेहराडून 2 घंटे में होगा, नया रोड बन रहा है, दिल्ली टू हरिद्वार 2 घंटे में होगा, दिल्ली टू जयपुर 2 घंटे में होगा, अब चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में होगा और मुंबई से दिल्ली 12 घंटे में होगा। तो ये हाईवे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के है और इसमें एक्सिस कंट्रोल है। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन आवर इज ओवर सर, एक एंड कर देता हूँ। अब इस सब परिस्थिति में इंटरनेशनल जो नियम बने उसके आधार पर राज्य सरकार को विश्वास में लेकर नई स्पीड लिमिट के बारे में 2 लेन से लेकर 4 लेन पेव शोल्डर एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे इसकी नई रचना हम करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को फाइन भरने पड़ रहा है और जल्दी इसका निर्णय करें। थैंक यू।